हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी सबको ही जुड़ जाइए, फिर हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। हेलो श्रुति जी, हेलो श्रुति जी, हेलो रविंद्र जी, मेरा वॉइस आ रहा है? गुड इवनिंग चंदना जी, गुड इवनिंग। हेलो मीता मिष्टी मैम, जल्दी जल्दी सबको ही जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरा जो रेसिपी है, सिंपल होममेड इंस्टेंट कालाकंद रसमलाई रेसिपी, जो कि अमूल पनीर से मैं आज बनाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मृति मुंबई से। आज मैं आप लोगों के साथ अमूल का एक बहुत ही यमी डेजर्ट शेयर करने वाली हूँ, जो कि है इंस्टेंट कालाकंद रसमलाई। थैंक यू सो मच अमूल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू सो मच दीपा मैम आपने ये लाइव करवाने के लिए। तो अभी हम बनाएंगे इंस्टेंट कालाकंद रसमलाई, जो कि बहुत ही इजीली बनता है। सबसे पहले अमूल का जो फ्रेश पनीर होता है, मैंने ये वाला पनीर यूज किया हुआ है, जो कि है अमूल मलाई का। इसको ग्रेट करके ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी, थोड़ा मतलब 1/4 जितना दूध ऐड करेंगे इसमें। और
उसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ अमूल मिठाई में, मतलब स्वीटनेस के लिए मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। 1/4 कप सेम कॉन्डेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे अमूल का मिठाई में। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूंगी जो पनीर मैंने ग्रेट करके रखा था, ये वाला पनीर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इंस्टेंट कालाकंद बना रहे हैं तो पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर दूध को फाड़ के बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको स्टेयर करते जाएंगे। ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है क्योंकि अभी मानसून का टाइम है, सबके घर में जैसे गेस्ट आते हैं तो बाहर जाने का उतना पॉसिबिलिटी नहीं रहता, तो आप घर पे पनीर रहता है और आप इसको बना सकते हैं इजीली। पूजा मैम, मैं आज बना रही हूँ इंस्टेंट कालाकंद रसमलाई, वो भी अमूल के, सारे प्रोडक्ट हम अमूल का ही यूज कर रहे हैं। तो ये मैं हाई फ्लेम में बना रही हूँ, आपको दिख रहा है बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। आप चाहो तो शुगर ऐड कर सकते हो थोड़ा सा, अगर आपको ज्यादा स्वीटनेस चाहिए। मैं इसमें थोड़ा ऐड करूंगी, ज्यादा ऐड नहीं करूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 3 टेबलस्पून, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून। अब ये बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है केसर, थोड़ा सा एक टीस्पून कस्टर्ड पाउडर और इलायची, इसको मैं गर्म दूध में ऐड करके रखा हुआ था सोक करके 15 मिनट पहले, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। केसर का आपको पता है कितना अच्छे से उसका टेस्ट भी आता है और उसका टेक्सचर भी अच्छा रहता है, उसका जो खाने का खुशबू को वो दोगुना भी कर देता है, बहुत हेल्दी रहता है केसर। और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 2 टीस्पून घी, ये ऑप्शनल है लेकिन ऐड करना, करने से कालाकंद का जो टेक्सचर रहता है ना वो अच्छा रहता है। कंटिन्यू हम स्टेप करते जाएंगे। फ्लेम को थोड़ा लो रखेंगे और इसको स्टेयर करते रहेंगे। पास लेके मैं दिखा रही हूँ, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है आप देख सकते हैं। थैंक यू संध्या मैम, थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये तो कालाकंद बनेगा। अभी मलाई के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, थोड़ा सा जो दूध हम रखे थे उसको ऐड करके, तो दिख रहे दूध को हल्का सा गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद उसमें मैं ऐड कर दूंगी कंडेंस्ड मिल्क एंड थोड़ा सा केसर का दाना, तो जो कि मैंने पहले से सोक करके फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रखा हुआ है। ये बहुत ही इंस्टेंटली बनकर रेडी हो जाता है और खाने में एकदम टेस्टी रहता है। कालाकंद तो हर किसी को पसंद रहता है, जैसे कि मैं इसे नॉर्मल वे में बना रही हूँ, सारा नॉर्मल, मतलब जैसे नॉर्मल कालाकंद बनता है। आप इसमें मैंगो का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं,
कोई भी जैसे जामुन होता है, जामुन को ग्रेट करके या जामुन का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको फ्रूट्स का रहता है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर रहता है। अमूल का ताज़ा मैं ऐड करती हूँ इसमें, क्यों ताज़ा ये वाला मिल्क मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं घर पे ला के एकदम एक महीने के लिए हम लोग भी स्टोर कर रखते हैं, मेरी बेटी को भी मैं यही वाला देती हूँ। अमूल का सारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, स्पेशल मैं बहुत यूज करती हूँ ये वाला। एकदम गर्म हो गया है, अभी इसमें मैं ऐड करूंगी अमूल का कंडेंस मिल्क 2 बड़े चम्मच। तो जो मलाई बनाएंगे ना इसमें शुगर का ऐड नहीं करेंगे, और कुछ केसर की दाने। इसको आप ना जब बनाएंगे, अगर बहुत हीट कर देंगे दूध को, तो आपको क्या करना है, बना के तुरंत ही फ्रिज में रख देना है, ताकि ये दूध एकदम चिल्ड हो जाएगा और अच्छे से ये अपना केसर के साथ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कुछ चॉप किया हुआ पिस्ता, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉप किया हुआ पिस्ता रखा हुआ है, अभी मैं इसको ऐड करूंगी कलर करूंगी। मीडियम फ्लेम पे आप इसको कुक करेंगे ना तो 10 मिनट में या 15 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, और हाई फ्लेम में करेंगे तो वो आपके ऊपर है। मेरा आदत है हाई फ्लेम में तो मैं कर रही हूँ, बट आप ना लो टू मीडियम फ्लेम में करते जाएंगे। बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका आ गया है, मैं दिखाती हूँ आपको पास से। थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, तो रोज पेटास थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब एकदम ऑप्शनल है, ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करिए या ऑप्शनल, ये आपके ऊपर है। परफेक्ट टेक्सचर हो गया, थोड़ा सा और कुक करेंगे क्योंकि इंस्टेंट बना रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा कुक करना जरूरी है। आप देखिए, थैंक यू जंदा मैम, श्योर श्योर पूजा मैम, श्योर जरूर जरूर। आप देख सकते हैं ये एकदम से बनके रेडी हो गए, इंस्टेंट बना रहे ना तो थोड़ा सा और थिक करेंगे। अगर आप आज बना के कल खाएंगे या 2-3 घंटा इसको रख के खाएंगे तो आपको जल्दी मतलब थोड़ा इतना कंसिस्टेंस में बंद कर देना है।
सबको जितने लोग भी हैं मैक्सिमम लोगों को कालाकंद बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ये मुझे पता है, क्योंकि इसका जो टेक्स्चर रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। स्पेशली मेरे घर पे भी कुछ लोग हैं, जैसे मेरे भैया लोग, मेरी बेटी को स्पेशली और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो किसी ने मुझे बोले थे कि रसमलाई उनको खाना है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने सोचा दोनों का मिक्स करके बनाती हूँ, रसमलाई विथ कालाकंद। पता नहीं कैसा लगेगा बट बहुत ही यम्मी बनता है ये वाला रेसिपी। इंस्टेंट कोई गेस्ट आ जाते हैं तो पनीर तो रहता है ना सबके घर में, तो आप पूरी बना सकते हैं। अभी इसका टेक्सचर पूरा थिक, जितना हमको चाहिए था उतना में हो गया है, क्योंकि इंस्टेंट बना रहे थोड़ा थिक करना जरूरी है। अगर आप सर्व करते हैं एक दो दिन, एक दिन के बाद, तो आप उसी कंसिस्टेंसी में रख सकते हैं, 5 मिनट में बनता है। फ्लेम को बंद कर लूँगी और इसको सेट होने के लिए यहाँ पे रख लूँगी। ये देखिए कि इसका टेक्सचर ठीक हो गया है बहुत अच्छे से। जब मैं इसको सेट करूंगी, यहाँ पे जो कंटेनर है इसमें मैंने थोड़ा सा घी ऐड करा हुआ है, आपके पास बटर पेपर है, फॉइल पेपर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। कोई प्लेट में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, सेट करने के लिए प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बटर पेपर यूज नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपको घी ऐड करना मोस्टली जरूरी है। अभी मैं थोड़ा सा पिस्ता ऐड करूंगी गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा रोज पेटल्स, ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको 10 मिनट सेट होने के लिए रखेंगे और जो मलाई बनाए थे उसको भी ला के दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, कलर कितना अच्छा आया है। ये मैंने प्री प्रिपरेशन करके रखा था, तो दूध को बॉयल करने के बाद इसमें कॉन्डेंस मिल्क ऐड किया हुआ है 1 चम्मच, और उसमें केसर का 1 पिंच ऑफ केसर ऐड करा हुआ है, और इसको
फ्रिज में मैंने रखा था, लेकिन जब आप इसको ऐड करेंगे ध्यान रखिएगा आपका दूध एकदम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म, ताकि केसर का कलर बहुत अच्छे से आए। अगर आपको थोड़ा सा इसको और टेम्पटिंग बनाना है देन आप इसमें थोड़ा एक जब दूध बॉयल करेंगे उसमें आधा चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वनीला फ्लेवर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा रहता है। तो ये मेरा बनके रेडी हो गया है, उसको हम 10 मिनट सेट होने देते हैं। पूजा मैम मैं आपको बता रही हूँ रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अमूल का जो पनीर है तो मैंने ये वाला पनीर यूज किया, वो वाला जो आता है दूसरा वाला वो थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन ये वाला पनीर अमूल का बहुत ही अच्छा है, खाने में बहुत ही सॉफ्ट है। इसको मैंने एक पैकेट ग्रेट करके रखा था 200 ग्राम, तो 200 ग्राम पनीर को ग्रेट करके उसके साथ आधा कप दूध यानी कि 1/4 कप, कोई भी एक छोटा सा कटोरी ले लीजिए, मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर उसमें ऐड करा हुआ है। इसी कटोरी में मैंने एक कप दूध जो कि बॉइल्ड वाला दूध था, पहले कढ़ाई में एक दूध गर्म करेंगे, दूध के साथ में कंडेंस्ड मिल्क ऐड करा 1/4 कप, जितना दूध उतना कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे, फिर उसमें अमूल का जो पनीर है उसको ग्रेट करके उसके साथ ऐड करेंगे, फिर इसको सॉटे करते जाएंगे और बीच में सॉक करके आपको रखना है एक कप दूध में, एक कप से थोड़ा कम, मतलब आधा 1/4 कप, 1/4 कप दूध में केसर, एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर, एक चम्मच करी या आधा चम्मच करी आपके ऊपर है, और केसर कस्टर्ड पाउडर और दूध को सॉक करके मैंने रखा था, और उसमें थोड़ा सा इलायची ऐड करा था। वो 10 मिनट सोक करने के बाद जब हम हमारा जो पनीर है वो अच्छे से मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा दूध एंड कंडेंस्ड मिल्क में, तब हम वो वाला जो प्री मिक्स बना के रखे होंगे उसको ऐड कर देंगे, और उसको ऐड करने के बाद कंटिन्यूसली सोटे करते जाएंगे जब तक कि हमारा कालाकन जो है एकदम शेप में ना आ जाए। और बीच में 2 चम्मच घी ऐड करना है, देसी घी आपको चाहिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो 2 चम्मच घी आपको ऐड करना है। 2 चम्मच घी ऐड करने के बाद आपको कंटिन्यू स्टेयर करते जाना है, उसमें आप हल्का सा पिस्ता ऐड कर सकते हैं, चॉप किया हुआ पिस्ता, तो मैंने ऐड करा था कम से कम इसी कटोरी का मेजरमेंट से सारा मैंने लिया हुआ है, इसमें मैंने 2 या 3 टेबलस्पून पिस्ता ऐड करा, घी ऐड करा, और उसके बाद उसको कंटिन्यूसली मिक्स करते गई जब तक वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप घी में एक ग्रीस करके रखिएगा बर्तन और उसको अच्छे से डाल दीजिएगा, मतलब सेट होने के लिए रख दीजिएगा। इंस्टेंट बना रहे हैं तो फ्रिज में तुरंत आप रख देंगे, 15 या 20 मिनट में हो जाता है, 10 मिनट में हो जाता है। और मलाई के लिए यहाँ पे हॉट मिल्क में 1 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क या आपके जितना स्वीट आपको चाहिए आप उसी हिसाब से ऐड करेंगे मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा केसर का धागा ऐड करा था, मतलब 1 पिंच जितना केसर ऐड कर दीजिएगा, और इसको हॉट मतलब गरम वाला दूध में ही ऐड करिएगा, उसके बाद इसको ढक के आप फ्रिज में रख दीजिएगा, केसर का कलर भी आ जाएगा और ये एकदम बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। और जब आप पनीर का कालाकंद बनाते हैं उसमें अगर आपको जरूरी है तो आप थोड़ा सा शुगर ऐड करिएगा, मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच शुगर लिया था, अभी देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम ऐड करा हुआ है, क्योंकि कॉन्वेंट मिल्क ऐड करते हैं तो शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं होता है, तो अभी मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको कालाकन जो है निकाल के दिखा रही हूँ, 1 मिनट। ये मलाई चिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कालाकंद गर्म रहता है तो मलाई चिल्ड होना जरूरी है। अभी देखिए सेट हो गया है, थोड़ा गर्म है, ज्यादा गर्म नहीं है।
गर्म रहता है ना, तो बहुत ही केयरफुली इसको हमको उठाना पड़ेगा। अभी जो मलाई हम ऐड किए थे उसको चारों तरफ ऐड कर देंगे। ये बहुत ही इंस्टेंट बन के रेडी होता है, बहुत ही खाने में टेस्टी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। घर पे बच्चे हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये वाला रेसिपी। लेकिन जब आप इसको सर्व करेंगे तुरंत ही आपको सर्व करना है, जो मलाई है उसमें धीरे धीरे आपको ऐड करना है, और जब खाएंगे तब उसके साथ ऐड करना है, एकदम ऐड करके नहीं रखना है, नहीं तो पनीर ना सोक कर लेता है। अभी देखिए इसको मैंने तुरंत बनाया, अगर पहले से बना के सेट करती तो ये बहुत अच्छा सेट होता, लेकिन हम इंस्टेंट बना रहे हैं ना। इंस्टेंट बना रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इंस्टेंट में अगर हम सेट करके दिखाएंगे तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए देखिए कितना अच्छा से दिख रहा है, दिखने में कितना अच्छा, खाने में भी उतना अच्छा लगता है। बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाता है, सच में बहुत ही यम्मी लगता है। तो ये मेरा बन के रेडी हो गया है इंस्टेंट कालाकंद रसमलाई, होप आप सबको बहुत पसंद आए, और थैंक यू सो मच अमूल अगेन आपके ये लाइव सेक्शन के लिए, और दीपा मैम आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कि ये लाइव के लिए आपने ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। होप मेरी लाइव आप सबको अच्छा लगे, अगर किसी को कोई क्वेरी होता है तो आप प्लीज़ बताइएगा, और रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स। थैंक यू एवरीवन, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार ट्राई करिएगा और ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, बहुत ही इंस्टेंट बन के रेडी हो जाता है। और थैंक यू सो मच अगेन अमूल इस पेज पे लाइव आने के लिए, दीपा मैम आपकी बहुत बड़ी हाथ है, आपके बिना कुछ नहीं हो पाता, तो थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच अमूल अगेन आप कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हम लोग के पास पहुँचाने के लिए। बहुत ही हेल्दी रहता है आपका प्रोडक्ट, वो खाने में भी और कुक करने में भी बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी रहता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मधु जी, थैंक यू मीना मैम, थैंक यू सो मच।